नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। आईएनएक्स केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम गिरफ्तार, 2 बजे होगी कोर्ट में पेशी, सीबीआई मांगेगी 14 दिन की रिमांड। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया है। लुकआउट नोटिस जारी करने वाली सीबीआई और ईडी की टीम कल रात देर उनके घर पहुंची। दरवाजा बंद देकर सीबीआई की टीम दीवार फांद करके अंदर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया। चिदंबरम को 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां सीबीआई 14 दिन की रिमांड मांगेगी। 20 अगस्त को गायब होने के बाद कल पी चिदंबरम ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं कानून से बच नहीं रहा हूं बल्कि कानूनी संरक्षण के तैयार हूं। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां कानून का सम्मान करेंगी। मैं इस बात से भौचक्का हूं कि मुझ पर कानून से भागने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है जबकि इसके विपरीत मैं कानूनी संरक्षण पाने के लिए तैयार हूं। मुझ पर आरोप है कि मैं न्याय से भाग रहा हूं जबकि इसके विपरीत मैं कानूनी खोज में लगा हुआ हूं। IL&FS घोटाला, ईडी करेगी राज ठाकरे से पूछताछ। एमएनएस के विरोध के बाद ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को आज कोहिनूर CTNL IL&FS मामले में ईडी के सामने पेश होना है। राज ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोहिनूर CTNL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के IL&FS द्वारा 450 करोड़ रुपए की क्वालिटी निवेश और ऋण से जुड़े कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में ईडी ने राज ठाकरे को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने राज ठाकरे का समर्थन किया है। इसी बीच मुंबई पुलिस की ओर से ठाणे के अविनाश जाधव समेत मसले में कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने ईडी के दफ्तर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली में कोर्ट के आदेश पर संत रविदास मंदिर तोड़े जाने के बाद बवाल, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर समेत 91 लोग गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास का एक मंदिर गिराए जाने के खिलाफ दलितों का विरोध प्रदर्शन हिंसा हो गया है और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने और हल्का लाठीचार्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 अगस्त को मंदिर गिरा दिया था। बवाल के बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समेत 91 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दलित संगठन भीम आर्मी ने दावा किया है कि उसके नेता चंद्रशेखर आजाद को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली भी चलाई है। इससे पहले दिन में हजारों दलितों ने मध्य दिल्ली के झंडे वालान में अम्बेडकर भवन से रामलीला मैदान तक मार्च किया। करप्शन के खिलाफ एक्शन में मोदी सरकार, 312 भ्रष्ट अफसरों को किया जा चुका है जबरन रिटायर। एक्शन पर मोदी सरकार ने ऐलाने जंग पर असर नजर आ रहा है। करप्शन के केस में एक से बड़ा एक शख्स सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। ईडी और सीबीआई ने एक साथ कई लोगों पर शिकंजा कस दिया है। ऐसे में लोग कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया विजन में भ्रष्टाचारियों के लिए कहीं जो जगह नहीं है। पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से अब यह साफ हो चुका है कि मोदी राज में किसी भी भ्रष्टाचार का बचना मुश्किल है। मोदी राज एक से लेकर के मोदी राज दो तक प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचारियों से निपटने में लगे हुए हैं। ये मोदी का ऑपरेशन क्लीन का असर है कि बीते 5 सालों में 312 भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया। मोदी सरकार ने दूसरी पारी शुरू होते ही भ्रष्ट अफसरों को डायरेक्ट मैसेज किया था कि करप्शन किया तो छोड़ेंगे नहीं। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम डिपार्टमेंट के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स के भी 12 अधिकारियों की छुट्टी की जा चुकी है। आज से 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद UAE और बहरीन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 26 अगस्त तक फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान इन देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दे पर व्यापार चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी फ्रांस की यात्रा के दौरान BRG में 45वें G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। मोदी की UAE यात्रा इस महीने में भी खास है क्योंकि इस दौरान वह UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ जायद ग्रहण करेंगे। इस यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट भी जारी करेंगे। पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया ट्वीट। देश के पूर्व गृह मंत्री और UPA कार्यकाल के वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट किया है। भोपाल से BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पी चिदंबरम का नाम लिए बिना ही टिप्पणी की है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लिखा है कि न्याय तो होता है प्रभु के यहाँ, कलयुग में देर नहीं, अंधेर भी नहीं, वंदे मातरम।